स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, जिसका यूज करके आप अपने स्टूडेंट्स के ऑनलाइन असेसमेंट ले सकते हैं, वो भी बहुत इजीली। और इस असेसमेंट टूल को यूज करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। साथ ही साथ ये फ्री भी है, बट जो इसका फ्री वर्जन है उसमें आपको कुछ लिमिटेशन मिलेंगी। वो लिमिटेशन जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप इमेजेस का यूज नहीं कर सकते हैं, आप पर्टिकुलरली अलग टाइप के क्वेश्चंस का यूज नहीं कर सकते हैं, जो लिमिटेड क्वेश्चंस फ्री वर्जन में अवेलेबल हैं उन्हीं का आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ रिस्ट्रिक्शंस इसके अंदर हैं, बट मैं इसके फायदे आपको बता दूं। पहला फायदा तो ये है कि इस पे आपको कोई अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। ये जो आपकी क्विज बनाएगा असेसमेंट के लिए, उस क्विज का एक पासवर्ड सेट कर देगा और एक लिंक सेट कर देगा, जिसके थ्रू आप भी उस क्विज को एक्सेस कर सकते हैं और आपके स्टूडेंट जो है वो भी उस क्विज को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ ये कोई अकाउंट आपको बनाने को नहीं बोलेगा फ्री वर्जन में, और इसमें आपको टाइमर भी मिल जाएगा। जितना भी टाइम आप चाह सकते हैं उस टाइमर के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं मिनट्स के अंदर। साथ में ही आप बच्चों को दो तरह के फीडबैक दे सकते हैं, जैसे कि अगर बच्चा पास हो जाता है तो आप उसे पास का फीडबैक दे सकते हैं, और अगर फेल हो जाता है तो फेल का फीडबैक दे सकते हैं। और अगर आप सभी को ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने कोई अटेम्प्ट कर लिया, तो आप ये पास और फेल वाले जो सिस्टम है उसे हटा भी सकते हैं। छोटी सी एक लिंक रहेगी जिसको आप शेयर करके अपने स्टूडेंट्स को इसको एक्सेस करवा सकते हैं, और ये बहुत ही सिंपल है। बस इसके कुछ लिमिटेशंस हैं और भी, जैसे कि 50 क्वेश्चंस आप एक क्विज के अंदर रख सकते हैं, 100 पार्टिसिपेंट्स एट अ टाइम, एक 100 पार्टिसिपेंट्स ही एक क्विज को एक्सेस कर सकते हैं। अगर 100 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होंगे तो वो इस क्विज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं इसकी, जिसको मैंने यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर दिया। दूसरा, इसका जो इंटरफेस है वो बहुत सिंपल रहेगा, ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं है। ये भी हो सकता है इसका एक लिमिटेशन ही हो सकता है जो पेड वर्जन है उसके अंदर कुछ इंटरेक्टिव क्विज का फॉर्मेट हो, बट जो फ्री वर्जन है उसके अंदर जो क्विज का फॉर्मेट है वो एकदम सिंपल और एकदम नॉर्मल है। और रिजल्ट का सेक्शन आपको यहाँ पे पर्टिकुलर हर क्विज के लिए मिल जाएगा। सेटिंग्स का टैब आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए आपको प्रॉपरली इंटरफेस मिल जाएगा। बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल इंटरफेस है, जिसको आप बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और अपनी क्विज को रेडी कर सकते हैं। तो जो लोग टेक्निकल नहीं है, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, जैसे हमारे कई सारे टीचर्स हैं जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, तो वो सब जो है एक प्लेटफॉर्म का यूज करके अपनी जो क्विज है बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उन लोगों के साथ शेयर करिए जिन लोगों को क्विज बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, या जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं ट्यूटोरियल, और मैं बताता हूँ कि आपको इस वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है और कैसे यूज करना है। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है टेस्ट मोड। आप जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पे वेबसाइट आ जाएगी, टेस्ट मोड पावरफुल बट सिंपल टेस्ट जनरेटर। अब यहाँ पे मैं आपको पहले तो इसके फीचर्स बता देता हूँ बेसिक जो है। ये हम होम पे हैं, इसके फीचर्स पे अगर हम चलते हैं तो वो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। क्वेश्चन मैनेजमेंट सिस्टम, ग्रेडेड क्वेश्चन टाइप, अनग्रेडेड सर्वे क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक, फाइंड एंड इंसर्ट फ्रॉम अदर टेस्ट, ईजी क्वेश्चन मैनेजमेंट, ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। कुछ प्रॉपर्टीज फ्री वर्जन में है, कुछ प्रॉपर्टीज पेड वर्जन में है। स्टूडेंट का इंटरफेस रहेगा इस तरह से, एकदम सिंपल इंटरफेस रहेगा, जो कि फोन, टैबलेट, डेस्कटॉप कंप्यूटर सब में चल जाएगा, लो बैंडविड्थ में भी चल जाएगा। लो बैंडविड्थ में भी इजिली वर्क हो सकता है, क्योंकि सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट है, इमेजेस फॉर्मेट कुछ भी नहीं देंगे। जो लोग टेस्ट दे रहे हैं उन्हें भी कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना नाम या ईमेल एड्रेस पुट करके हम शुरू कर सकते हैं। मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा, जिसमें आपको ना कोई ईमेल एड्रेस ना कोई अदर इन्फॉर्मेशन लगेगी, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ईमेल एड्रेस अदर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो वो उसे सिर्फ अपने नाम को एंटर करके उस क्विज को एक्सेस कर सकते हैं। रिपोर्ट्स का सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अलग अलग क्विज जितनी भी आपने बनाई है उसका डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा। फ्री वाले वर्जन में आपको डैशबोर्ड जो है वो पर्टिकुलर हर क्विज का अलग से मिलेगा। टाइम लिमिट आप सेट कर सकते हैं, कितनी बार अटेम्प्ट कर सकता है कोई वो आप सेट कर सकते हैं। आप अपने मेल को नोटिफाई कर सकते हैं, मतलब जितनी बार जो भी कोई टेस्ट देगा तो आपके मेल पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस बंदे ने टेस्ट को अटेम्प्ट कराया है, फिनिश करा है। चाहे तो ये चीज़ अडॉप्ट भी कर सकते हैं और नहीं भी अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर बिल्ड अ टेस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। आपको कोई अकाउंट बनाना नहीं है, कुछ भी नहीं बनाना है, आपको डायरेक्टली बिल्ड अ टेस्ट पर क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्ड अ टेस्ट की विंडो ओपन हो गई है। यूज दिस फॉर्म टू बिल्ड अ फ्री टेस्ट ऑन टेस्ट मोड। आप इस फॉर्म का यूज करके फ्री में टेस्ट मोड पे
अपना टेस्ट बना सकते हैं। कोई भी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इफ़ यू पेड फॉर अ मेंबरशिप यू शुड साइन इन फर्स्ट। अगर आपने पे करा है तो आप साइन इन कर लीजिए, अगर आपने पे नहीं करा है तो आप साइन इन मत करिए, आप डायरेक्टली यहाँ पर क्विज बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्विज बनाने के लिए दो वार्निंग आपको दी हुई है, डोंट फॉरगेट योर पासवर्ड, यू कैन नॉट रिकवर इट, डोंट फॉरगेट योर टेस्ट यूआरएल, यू विल सी इट ऑन द नेक्स्ट पेज। अभी जब आप टेस्ट बनाएंगे तो आपको एक यूआरएल मिलेगी जिसको आपको नहीं भूलना है। वैसे भी आप वो यूआरएल नहीं भूल सकते क्योंकि वो जो यूआरएल है वो आपके लिए और स्टूडेंट्स के लिए सेम रहेगी, तो आप उसकी चिंता मत करिए। बस आपको पासवर्ड ध्यान रखना है। तो पासवर्ड क्योंकि रिकवर नहीं हो सकता है यहाँ पे क्योंकि आपका फ्री अकाउंट है, तो पासवर्ड आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस उसने बताया हुआ है, यू कैन बिल्ड अ टेस्ट फॉर फ्री इन टेस्ट नोट्स बट रिमेंबर दीज लिमिट्स, 50 क्वेश्चन पर टेस्ट, 100 रिस्पॉन्सेज पर टेस्ट। मतलब एक टेस्ट में 50 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं हो सकते और 100 रिस्पॉन्सेज ही आएंगे। व्हाट हैपन इफ मोर देन 100 पीपल टेक इट, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। व्हाट हैपन्स इफ आई हैव अ फ्री टेस्ट एंड मोर देन 100 पीपल टेक इट, व्हेन यू गो टू द रिजल्ट पेज यू कैन ओनली सी द फर्स्ट 100 स्कोर्स, यू विल नीड टू डिलीट सम ऑफ द रिजल्ट्स टू रिवील द रिमेनिंग रिजल्ट, यू कैन ऑल्सो बाय अ मेंबरशिप टू सी ऑल द स्कोर्स एट वंस। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि अगर आपके 100 लोगों ने पहले अटेम्प्ट कर लिया तो उन 100 लोगों के ही स्कोर्स आपको रिपोर्ट सेक्शन में दिखाएगा। हाउ लॉन्ग आर टेस्ट स्टोर्ड, जो आप फ्री के जो टेस्ट बना रहे हैं वो कब तक स्टोर रहेंगे। फॉर एनोनिमसली क्रिएटेड टेस्ट योर डेटा इज स्टोर्ड फॉर 730 डेज पास द लास्ट टाइम योर टेस्ट वॉज टेकन बाय समवन। ओके, तो 730 डेज तक जो है आपका जो डेटा रहेगा वो यहाँ पर रहेगा। उसके बाद इफ नो वन हैज टेकन योर टेस्ट फॉर 2 ईयर्स योर टेस्ट विल बी डिलीटेड। मतलब लास्ट जो भी कोई आपका टेस्ट देगा तब से लेकर 730 डेज तक जो आपका टेस्ट है वो यहाँ पे बना रहेगा। यू वॉन्ट रिसीव एनी नोटिफिकेशन दैट योर डेटा इज बीन डिलीटेड सिंस आई हैव नो वे टू कॉन्टेक्ट यू। यहाँ से आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि आपका डेटा डिलीट हो गया क्योंकि जब आपने टेस्ट बनाया था तो इन्होंने आपकी कोई भी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं ली, तो इसलिए आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। बाकी ये पेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है जो आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपको जानना जरूरी थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक टेस्ट बना के दिखा देता हूँ डायरेक्टली, और कैसे ये प्रोसेस वर्क करेगी, कैसे आपको सारी चीज़ें करनी है वो भी मैं आपको अभी समझा देता हूँ। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे टेस्ट का जो नाम है वो मैंने दे दिया, चैप्टर 1 कंप्यूटर डिवाइसेस। यहाँ पे जो आप पासवर्ड सेट करेंगे वो आपको हमेशा याद रखना है, जब तक आपका जो टारगेट ऑडियंस है जो टेस्ट नहीं दे देते तब तक आपको इस पासवर्ड को याद रखना है, क्योंकि इस पासवर्ड से ही आप अपने टेस्ट को एज अ एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस कर पाएंगे, मतलब इसकी रिपोर्ट्स आप देख पाएंगे। अगर आप बिना पासवर्ड के इस टेस्ट के लिंक को ओपन करेंगे तो आप एक एज अ स्टूडेंट ही उसको देख पाएंगे, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर आप उसे नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ पासवर्ड डाल रहा हूँ, अब रीटाइप योर पासवर्ड, जो पासवर्ड मैंने अभी टाइप करा उसे मैंने रीटाइप कर दिया। अब यहाँ पे मैंने क्रिएट टेस्ट के ऊपर क्लिक कर दिया है, तो देखिए ये एक सिंपल सा आपके लिए डैशबोर्ड ओपन हो गया है। यहाँ पे चैप्टर का नाम आ गया है और यहाँ पे लॉगआउट का बटन आ गया। जब आप लॉगआउट करेंगे, जैसे मैं अभी आपको लॉगआउट करके बताता हूँ, ये मैंने लॉगआउट कर दिया, तो देखिए यहाँ पे ये जो यूआरएल है ये आ गई। अब देखिए ये स्टूडेंट लॉगिन है और ये एडमिनिस्ट्रेशन लॉगिन। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट के लिए क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अभी फिलहाल के लिए द टेस्ट इज नॉट येट पब्लिश्ड, यू कैन टेक इट बट योर रिजल्ट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। अभी आपका जो टेस्ट है वो कम्प्लीटली बना नहीं है, तो इसलिए स्टूडेंट को ऐसी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। बट आप जो है स्टूडेंट के साथ बाद में शेयर करेंगे तो ये सिर्फ डेमो है जो अभी दिख रहा है। ये एडमिनिस्ट्रेशन है और ये आपके टेस्ट की यूआरएल है जो कि आप स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करेंगे। तो ये यूआरएल आपके लिए और स्टूडेंट के लिए दोनों के लिए सेम है, और एज अ एडमिन एक्सेस करने के लिए आपको उसका पासवर्ड याद रखना पड़ेगा जो कि आपने सेट किया था। मैंने ये पासवर्ड डाल दिया, यहाँ पर मैंने लॉग इन कर लिया। ठीक है, तो ये आपके टेस्ट की यूआरएल है, इतनी जो है ये आपकी टेस्ट की यूआरएल है। ठीक है, एडमिन के पहले तक ये अभी आपको मिल जाएगी, जब आप पब्लिश करेंगे तो भी मिल जाएगी। अब यहाँ पे कुछ टैब्स हैं, डैशबोर्ड, सेटिंग्स, क्वेश्चंस, पब्लिश, रिजल्ट। तो अभी हम डैशबोर्ड पे हैं, दिस इज द कंट्रोल पैनल वेयर यू कैन एडजस्ट सेटिंग्स, ऐड क्वेश्चंस, पब्लिश द टेस्ट एंड व्यू रिजल्ट्स। पहला, बुकमार्क दिस पेज एंड राइट डाउन योर पासवर्ड, इट इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल दैट यू डू दिस, दिस इज देयर इज नो वे टू रिकवर द यूआरएल पासवर्ड। क्योंकि आपका कोई अकाउंट नहीं बना है तो इस यूआरएल को आपको बुकमार्क कर लेना है,
बुकमार्क कैसे करना है वो मैं आपको बता दूँ। इस तरह से आप बुकमार्क कर सकते हैं, ठीक है। आपने बुकमार्क कर दिया, पासवर्ड आपको याद ही है, आप उसे कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं। एडजस्ट सेटिंग, चेंज द टेस्ट नेम, डिस्क्रिप्शन एंड व्हाट हैपन्स आफ्टर द टेस्ट इज ग्रेडेड, ये सारा सेटिंग्स में आपको मिल जाएगा। ऐड क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन सेक्शन में मिल जाएगा। ऐड क्वेश्चन, इट इज नॉट मच ऑफ अ टेस्ट इफ इट इज डज नॉट हैव क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको इंसर्ट करने ही पड़ेंगे क्योंकि टेस्ट आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं। टेस्ट का मीनिंग तभी होता है जब क्वेश्चन होते हैं, इसने यहाँ पे आपको बता दिया। पब्लिश एंड डिस्ट्रीब्यूट, पब्लिश करने के बाद आप स्टूडेंट के साथ में इसे शेयर कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट इस टेस्ट को सबमिट कर पाएँ। और रिजल्ट, सी हाउ वेल योर स्टूडेंट्स डिड ऑन द टेस्ट, रिजल्ट सेक्शन में आप देख सकते हैं कि कैसा परफॉर्म करा। तो ये पॉइंट वाइज उसने आपको समझा दिया है। अब हम चलते हैं, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं सेटिंग्स पे। तो हम ये सेटिंग्स पे आ गए। यहाँ पे चैप्टर का नाम आप चेंज करना चाहें, मतलब यहाँ पर टेस्ट का नाम अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो आप दे सकते हैं। जैसे मैं आप देख के बता रहा हूँ, दिस इज अ टेस्ट रिलेटेड टू योर कंप्यूटर सिलेबस, दिस इज द फर्स्ट टेस्ट ऑफ द कंप्यूटर सब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह से आपने ये इंट्रोडक्शन दे दिया है जो नॉर्मली दिखाई देगा। अब यहाँ पे कलर स्कीम है कि जब आपका टेस्ट रन होगा तो किस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पे चार आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आप कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। चूज द लैंग्वेज फॉर द टेस्ट मोड, स्टूडेंट इंटरफेस, यहाँ से आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेटिंग्स, शो ऑल द क्वेश्चंस ऑन वन पेज, शो वन क्वेश्चन पर पेज। तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को प्रेफर करिए क्योंकि ये आपको एक ही पेज में सारे क्वेश्चंस दिखा देगा जैसे गूगल फॉर्म में दिखाई देते हैं। रेंडमाइज द ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस ड्यूरिंग द टेस्ट, आपके जो क्वेश्चन के ऑर्डर हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे अगर आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे। तो उसको आप टिक कर सकते हैं जिससे हर स्टूडेंट्स के पास जो क्वेश्चन का ऑर्डर है वो चेंज होके आएगा, तो जो चीटिंग होने के चांसेस हैं वो कम हो सकते हैं। रिव्यू सेटिंग, दीज सेटिंग्स कंट्रोल व्हाट हैपेंस आफ्टर द टेस्ट इज कंप्लीटेड एंड सबमिटेड बाय द टेस्ट टेकर। जब सबमिट कर देगा कोई स्टूडेंट टेस्ट तो क्या दिखाई देगा, दिस टेक्स्ट इज डिस्प्लेड आफ्टर द टेस्ट इज सबमिटेड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर टेस्ट, ओके। तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया है कि टेस्ट सबमिट होने का क्या होगा। शो कस्टम मैसेज इफ द स्टूडेंट पास और फेल्ड, तो यहाँ पे आप एक कस्टम मैसेज भी शो कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपने पास या फेल क्राइटेरिया यहाँ पे शो करके रखा है। तो आप इसको टिक करेंगे तो इस तरह का एक पास स्कोर आपको सेट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कर दिया है 50%, तो 50% अगर किसी को स्कोर आते हैं या 50% से ऊपर अगर किसी को स्कोर आते हैं तो वो जो स्टूडेंट है वो पास हो जाएगा। मतलब मिनिमम जो परसेंटेज मैंने यहाँ पे रखा है वो 50% रखा है। तो अगर पास होगा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव क्लियर्ड योर टेस्ट। यहाँ पे आपने ये बता दिया है कि उसने टेस्ट क्लियर कर लिया है। और फेल में आपने मैसेज शो कर दिया है, सॉरी दैट यू हैव नॉट क्लियर योर टेस्ट, प्लीज डू बेस्ट इन योर अपकमिंग टेस्ट, ठीक है। ये मैसेज आपने उसको दे दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने एट द एंड ऑफ द टेस्ट डिस्प्ले द यूजर्स स्कोर, टेस्ट आउटलाइन, आफ्टर द टेस्ट इज सबमिटेड द आउटलाइन विल री डिस्प्लेड ऑल द क्वेश्चंस अलोंग विद द स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज एंड द क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। अब टेस्ट आउटलाइन में क्या होगा, इंडिकेट इफ द रिस्पॉन्सेज वाज करेक्ट और नॉट, डिस्प्ले द करेक्ट आंसर, डिस्प्ले द एक्सप्लेनेशन। ये सब जो आप सेट करेंगे अपने क्वेश्चन से रिलेटेड वो सब टेस्ट के एंड में अगर आपको शो करना है तो आप शो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते। अगर आप इसे नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट मत करिए, अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट इसे कर सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल, अगर आप चाहते हैं कि ये जो टेस्ट है ये कोई भी बच्चा इजीली दे पाए, इजी एकदम इजी तरीके से दे पाए तो आप एनी वन पर सिलेक्ट कर दीजिए। बाकी जो तीन ऑप्शन है इसमें अगर एनी वन हु हैज मेल पे आ जाएंगे तो ये जो ऑप्शन है ये बंद है, ये पेड यूजर के लिए है। यहाँ पे भी अगर जाएंगे तो ये भी पेड यूजर के लिए है। इस पे भी अगर जाएंगे तो यहाँ पे सेट द पासवर्ड योर स्टूडेंट विल नीड टू एंटर टू स्टार्ट द टेस्ट। यहाँ पे आपने क्या करा, एक पासवर्ड आपने सेट कर दिया है, जब कोई भी स्टूडेंट पासवर्ड एंटर करेगा तभी वो उस टेस्ट को एक्सेस कर सकता है। तो मैंने अभी यहाँ पे एनीवन कर दिया, पासवर्ड वाला ऑप्शन हटा दिया। हाउ मच टाइम डू टेस्ट
टेकर्स हैव टू कंप्लीट द टेस्ट. कितना आपको टाइम देना है उसे कंप्लीट करने के लिए, आपने अनलिमिटेड कर दिया तो अनलिमिटेड टाइम तक वो चलता रहेगा, कोई टाइमर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. या फिर मैंने मान लीजिए सेट कर दिया 5 मिनट या मैंने कर दिया 1 मिनट, ठीक है. अभी मैं आपको डेमो दे के बता रहा हूँ, तो मैंने आपको 1 मिनट कर दिया. हाउ मेनी टाइम्स कैन समवन टेक योर टेस्ट, कितनी बार कोई आपका टेस्ट दे सकता है. तो यहाँ पर मैंने 1 कर दिया, ठीक है, क्योंकि एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही बार टेस्ट दे सकता है. What should test takers enter to identify themselves? क्या उनको एंटर करना चाहिए. This text appears above the field where the test takers enter their identifier. It should tell them what to enter. यहाँ पे आपने लिख दिया है enter your name और enter your student ID. Please enter your company email address. ऐसा आप लिख सकते हैं. जब सामने वाला टेस्ट ओपन करेगा तो उसे वो दिखाई देगा कि उसे क्या एंटर करना है, ठीक है. यहाँ पे आप लिख सकते हैं वो चीज. इसके बाद ये जो ब्राउजर फंक्शनैलिटी है ये वर्क नहीं करेगी क्योंकि ये पेड यूजर के लिए है, ठीक है. नोटिफिकेशन, अगर आप चाहें डू वांट टू रिसीव एन ईमेल व्हेनेवर समवन फिनिश द टेस्ट, तो अगर आप चाहते हैं कि जब भी कोई फिनिश करे टेस्ट को तो आपके पास कोई नोटिफिकेशन आना चाहिए, तो आप यस कर सकते हैं. बट ये भी फ्री वर्जन अवेलेबल नहीं है, तो आपको इसको नो पे ही सिलेक्ट करना पड़ेगा. और ये सब करने के बाद आपको सेव करना है, ठीक है. अब जैसे ही आपने सेव करा, सेटिंग्स अपडेटेड, योर टेस्ट हैज नो क्वेश्चंस, यूज द ड्रॉप डाउन बिलो टू इंसर्ट अ क्वेश्चन. जैसे आपने सेटिंग्स को सेव करा, यहाँ पे क्वेश्चंस के ऊपर वो अपने आप शिफ्ट हो गया. तो यहाँ से आप क्वेश्चन ले सकते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन, चूज वन ओनली, चूज मैनी, ट्रू एंड फॉल्स, मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे. ये कुछ और भी टाइप्स हैं जो कि अवेलेबल हैं. देखिए आप यहाँ पे क्या क्या ले सकते हैं फ्री वर्जन में, मैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है, एक एक करके. सबसे पहले मैंने आपको टाइप दिखाया मल्टीपल चॉइस वन ओनली, तो ये आप ले सकते हैं. यहाँ से मैंने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, ठीक है. फिर यहाँ से मैंने लिया मल्टीपल चॉइस चूज मनी, तो ये क्वेश्चन भी आप ले सकते हैं. इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया. फिर आपने यहाँ से लिया ट्रू एंड फॉल्स, इसको भी आप ले सकते हैं, इसको मैंने डिलीट कर दिया. फिर यहाँ से आप अगर मैचिंग पे, इसको भी आप ले सकते हैं, इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया. आप देख सकते हैं कितनी वैरायटी के क्वेश्चन हैं यहाँ पे. फिल इन द ब्लैंक्स मैंने लिया, ये भी आप ले सकते हैं, इसे भी मैंने डिलीट कर दिया. ऐसे भी आप ले सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे भी लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन, तो मैंने इसे डिलीट. तो ये सारे तो आप ले सकते हैं ग्रेडेड क्वेश्चन. यहाँ पे आता है सर्वे अनग्रेडेड क्वेश्चन, ठीक है. क्या ये आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते. टेक्स्ट ब्लॉक, क्वेश्चन पूल, क्वेश्चन पूल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. टेक्स्ट ब्लॉक यहाँ पे अवेलेबल है. कुछ अगर आपको हेडिंग देनी है तो वो आप दे सकते हैं इससे, टेस्ट ब्लॉक से. अगर आप क्वेश्चन फ्रॉम अनदर टेस्ट करना है तो ये अवेलेबल नहीं है. क्वेश्चन फ्रॉम फाइल करना है तो वो भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है. इतनी जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल नहीं है आपके पास. तो अब मल्टीपल चॉइस के 2 क्वेश्चन बना के मैं आपको दिखाता हूँ. तो मल्टीपल चॉइस का मैंने क्वेश्चन बना लिया है. यहाँ पर आप देख सकते हैं टूल बार आ गई. यहाँ पर आप लिंक इंसर्ट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. मैथ्स का अगर आपको फंक्शन बनाना है तो यहाँ पे कुछ मैथ्स के जो साइन है वो दिए हुए हैं. इंसर्ट मैथ्स, एम्बेडेड वीडियो, अपलोड फाइल, इंसर्ट इमेज, इमेज आप इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है. फॉन्ट साइज बड़ा छोटा करना चाहें, कलर सेट करना चाहें, फॉर्मेटिंग करना चाहें, वीडियो करना चाहें, टेबल डालना चाहें, ठीक है. ये सब आप यहाँ पे कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने क्वेश्चन करा सिलेक्ट आउटपुट डिवाइस फ्रॉम बिलो गिवन ऑप्शंस. तो मैंने लिख दिया हार्ड डिस्क, मैंने लिख दिया सीपीयू, यहाँ पे मैंने लिख दिया पेन ड्राइव, यहाँ पे मैंने लिख दिया माउस, यहाँ पे मैंने स्पीकर कर दिया माउस को हटा के, ठीक है. तो ये मैंने कर दिया और यहाँ से मैंने राइट क्वेश्चन को टिक भी कर दिया. राइट था मैंने उसे टिक भी कर दिया. और आप ऑप्शंस को डिलीट करना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डस्टबिन बना हुआ आ रहा है, जिससे आप उसको डिलीट कर सकते हैं. यहाँ से आप पॉइंट दे सकते हैं, मान लीजिए आपने 4 मार्क्स कर दिया है. यहाँ से आप उसका टाइप चेंज कर सकते हैं. यहाँ पर अगर आप कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं, बट ये फ्री में अवेलेबल नहीं है. यहाँ से आप क्वेश्चन को डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से आप क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं, यहाँ से भी आप क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं. और ये सेव जो है वो ऑटोमेटिकली होता जाता है, ठीक है. मेरे चीज़ें सेव होने का ये सेम क्वेश्चन जो है वो डुप्लीकेट हो गया, ठीक है. मान लीजिए ये सेम क्वेश्चन मैंने आपसे रिपीट कर दिया. तो इस तरह से ये आपका जो है यहाँ पे टेस्ट जो है वो क्रिएट हो गया. ये टेस्ट हैज 2 क्वेश्चन, 2 graded, 0 ungraded, with a total of 8 points possible. Question will be shuffled during the test.
When you done adding questions, go to the publish page to preview and publish होता है। अब आपका अगर question section complete हो गया हो, तो आप publish section पे चले जाइए और अपने टेस्ट को पब्लिश कर दीजिए। यहाँ पे अगर आपको पेपर को प्रिंट करना है, आपके बने हुए टेस्ट को प्रिंट करना है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। व्यू प्रिंट योर ब्राउजर, डाउनलोड अदर डॉक्स वर्जन, यहाँ पे ABC कर सकते हैं, शो आंसर, शो एक्सप्लेनेशन टिक कर सकते हैं और फिर डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, प्रिंट करना चाहें। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट इज बेस्ट टू यूज ईमेल और आइडेंटिटी बेस्ड एक्सेस कंट्रोल व्हेन यूजिंग अ टाइम लिमिट और व्हेन सेटिंग द मैक्स नंबर ऑफ टेस्ट विद द सेटिंग्स पेज विच योर करंट एक्सेस कंट्रोल सेटिंग। मलेशियस स्टूडेंट कैन इजिली एंटर स्कूल नेम टू बाईपास देयर ओन अटेम्प्ट और द टाइम लिमिट और वो टेक समवन एल्स इफ यू ट्रस्ट योर स्टूडेंट देन दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। अभी छोटा सा उन्होंने आपको प्रिकॉशन टाइप का एक मैसेज दिया है कि क्योंकि आपने टाइमर लगाया है, अब टाइमर पर क्या है कि वो नाम से बच्चे को जज नहीं कर सकते, क्योंकि नाम कितनी बार भी सेम हो सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि आप ईमेल का यूज कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि आपने एक पर्सन को एक बार एंट्री देने का रखा हुआ है, बट वो नाम से उस चीज को जज नहीं कर सकते। तो वो बोल रहा है कि कोई ऐसी यूनिक फील्ड आप लीजिए जिसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज उसने आपको सिर्फ बोली है, उसने आपको ये बोला कि अगर आप वन टाइम करना चाहते हैं इसको, तो यहाँ पे एटलीस्ट ईमेल एड्रेस होना चाहिए। बट ईमेल एड्रेस जो है वो पेड है कि हम उसको लगा भी नहीं रहे हैं, आप वैसे भी लगाएंगे तो ये उनके लिए होगा जिनके पास ईमेल एड्रेस हो वही एक्सेस कर पाएंगे। यूनिक आईडी भी जो है वो फ्री नहीं है, ठीक है। एनीवन हु एंटर्स अ पासवर्ड ऑफ माय चॉइस, ये तो पासवर्ड लगाने के लिए है, ठीक है। तो हम वापस पब्लिश सेक्शन में आते हैं, सेटिंग्स हमारी जैसी थी वैसी ही रहेंगी सेव करी हुई, आप देख सकते हैं एक बार। तो वापस से एक बार सेव भी कर दीजिए और पब्लिश सेक्शन में आप वापस आ जाइए। अब यहाँ पे आप इसको पब्लिश कर दीजिए, तो अब आप देख सकते हैं योर टेस्ट इज पब्लिश्ड एंड अवेलेबल एट, ये आपको लिंक मिल गई है जो कि सेम है, ठीक है। इस लिंक से आप अपने स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं कि वो टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे ओपन रख सकते हैं और आप चाहें तो इसे क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे शेड्यूल भी कर सकते हैं, शेड्यूल वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, आपको खुद जो है वो ओपन और क्लोज को मेनटेन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने पब्लिश कर दिया है, योर टेस्ट हैज सम वार्निंग्स, वार्निंग्स हमने पहले देख ली है। अब ये पब्लिश हो गया है, आप इसे कॉपी करके दे सकते हैं अपने स्टूडेंट को ताकि वो इसे एक्सेस करें। अब मैं आपको इस टेस्ट को जो है इनकॉग्निट विंडो से एक्सेस करके बताऊंगा कि कैसे दिखाई देता है और कैसे ये वर्क करता है। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल वैसा इंटरफेस आ गया जैसा हमने सिलेक्ट करा था। चैप्टर 1 कंप्यूटर डिवाइस, एंटर योर नेम, मैंने डाल दिया है नितिन, ठीक है। यही उसने वार्निंग दी थी कि नितिन नाम के कितने भी लोग एक्सेस कर सकते हैं, तो वो उसे काउंट नहीं कर पाया कि वो एक बार एक्सेस कर सकते हैं कि बार बार एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है, चार पॉइंट्स के दो दो क्वेश्चन हैं, टाइमर यहाँ पे रन कर रहा है, आप देख सकते हैं एक मिनट का टाइमर है। मैंने इसे बंद कर दिया, मैंने इसे यहाँ पे सेट कर दिया। अगर ये टाइमर कंप्लीट हो जाता है तो हमने जो ऑप्शन करके रखा हुआ है वो एंड टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट जो है वो क्लोज हो जाएगा, मैं सबमिट उसे नहीं कर पाऊंगा। दिस इज टेस्ट रिलेटेड टू योर कंप्यूटर सेबल, दिस इज द फर्स्ट टेस्ट ऑफ द कंप्यूटर सब्जेक्ट, जो हमने सेटिंग्स करी थी वो सभी यहाँ पे दिख रही है, तो मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। नेक्स्ट टेस्ट में आपको मैं दिखाऊंगा कि अगर वो कम्प्लीट नहीं करता है तो क्या होता है। देखिए इस तरह से यहाँ पे हो गया है और अभी ये ड्यूरेशन दिखा दिया है, स्कोर दिखा दिया है और लॉगआउट का बटन दे दिया, तो मैंने लॉग आउट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया है, अब मैं सेटिंग को चेंज करता हूँ और मैं यहाँ से पासपोर्ट भी आपको दिखा देता हूँ, जब पासपोर्ट लगा होगा तो कैसे दिखाई देगा। मैंने यहाँ से पासपोर्ट लगा दिया है, पासपोर्ट मैंने दे दिया है QWERTY, ठीक है, इसे मैंने सेव कर दिया। देखा आपने, मैंने पासपोर्ट लगा के सेव कर दिया है, जो पहला जो रिजल्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये रिजल्ट आपके पास आ गया है। अब मैं वापस से आपको टेस्ट ये जो है ये एक्सेस करके दिखा रहा हूँ पासपोर्ट के साथ में, वो कैसा परफॉर्म करता है। देखिए अभी नाम के साथ में पासपोर्ट आ गया है, मैंने वापस से नितिन करा QWERTY। यू कैन नॉट टेक दिस टेस्ट अगेन, क्यों, क्योंकि मैंने इस नाम को यूज कर लिया था तो मैं अब इसको नहीं यूज कर सकता हूँ, मैं इसको अब चेंज कर रहा हूँ नाम को। यही उसने हमें वार्निंग दी थी कि नाम के हिसाब से वो जो है वो आपको नहीं पहचान पाएगा, एक नाम के बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने
दोनों पे स्पीकर लगा दिया है, बट अब मैं इस टेस्ट को सबमिट नहीं करूँगा, मैं इसे रन होने दूंगा 1 मिनट के लिए और देखता हूँ कि आखिर में क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टेस्ट है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर टेस्ट, योर स्कोर 100%, क्योंकि मैंने ऑप्शंस को टिक करके रखा हुआ था और ये जो टेस्ट है ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये सारे जो मैसेज हैं वो आ गए हैं। अब मैं वापस से आपको एक बार दिखा देता हूँ कि अगर मैं ऑप्शंस को सिलेक्ट नहीं करता हूँ और तब अगर ये टेस्ट सबमिट होता है तो क्या आपको रिजल्ट दिखाई देता है। देखिए अब मैंने यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट नहीं करे हैं और अब ये जो टेस्ट है ये बिना ऑप्शन को टिक करे सबमिट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या आउटपुट आता है। देखिए वहाँ पे ये आपको दिखा रहा है ऐसे रेड कलर में टाइमर को, तो देखिए ये सबमिट हो गया। ड्यूरेशन योर स्कोर 0, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर टेस्ट, सॉरी दैट यू हैव नॉट क्लियर योर टेस्ट, प्लीज डू बेस्ट इन योर अपकमिंग टेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कोर 0 रहा और ड्यूरेशन उसने बता दिया है और मैसेज जो है वो भी डिस्प्ले कर दिया है। तो आपने देख लिया कि ये जो वेबसाइट है ये कितना अच्छे तरीके से आपके जो टेस्ट हैं उसके लिए आपको हेल्प कर सकता है और इजी है। नॉर्मली अगर आप चाहते हैं कि अगर आप असेसमेंट कर पाएँ अपने स्टूडेंट्स का कुछ इजी वे में तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मैंने जो एक और वीडियो बनाया हुआ है असेसमेंट से रिलेटेड ही क्विजेस को लेके और गूगल फॉर्म्स और गूगल क्विज को लेके, वो इससे ज़्यादा बेटर है। बट अगर आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, वो ज़्यादा डिवाइसेस फ्रेंडली नहीं है, ज़्यादा इंटरनेट या टेक्निकली साउंड नहीं है, तो आप इस तरह से इस एप्लीकेशन से इजीली जो है वो टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा टेक्निकल कुछ है नहीं और आपके स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ईजी है और लो बैंडविड्थ का है। जैसा कि उसमें पहले ही मैंशन था कि आपका जो इंटरनेट है वो ज़्यादा एक्सेस नहीं होगा और इजिली आप किसी भी डिवाइस दे सकते हैं, इवन मोबाइल फ़ोन से भी आप इजिली दे सकते हैं, क्योंकि जो ग्राफिकल इंटरफेस है वो बहुत ईजी और बहुत सिंपल है, प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी चीज़ में। अब यहाँ पे वापस मैं अपने रिजल्ट सेक्शन पे आ गया हूँ, आपको इस तरह से रिजल्ट मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आप रिजल्ट इस तरह से दिखाई दे रहा है, आपको स्टार्ट ऑन, फिनिश ऑन, टाइम, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगी। दोस्तों आपने ये टेस्ट मोड का यूज़ कैसे करते हैं इस ट्यूटोरियल में देख लिया है, आपने समझ लिया है। अगर फिर भी आपको इसको यूज़ करने में कोई परेशानी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी रिस्पांस करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इस ट्यूटोरियल को यहीं पे एंड करते हैं और दोस्तों अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने जानने वालों के साथ में जिन्हें असेसमेंट लेने में प्रॉब्लम्स आ रही हो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए और लोगों को भी बोलिए इन वीडियोस को शेयर करने के लिए, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँच पाए जिन लोगों को इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए ट्यूटोरियल, एक नए वीडियो के साथ में।
तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे चैनल से जितने भी मेरे वीडियोस हैं उनके लिंक आप दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली, या आप उनको मेरे चैनल का नाम सजेस्ट कर सकते हैं जिससे वो खुद आके मेरे चैनल पर अपनी प्रॉब्लम के जो सोल्यूशन है वो फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे एट होम।